तो फ्रेंड्स, अभी हम पश्चिम सिंहभूम जिला के तरफ पहुंच गए हैं। जैसा बताया था कि उस पुलिया के उस छोर में खूंटी जिला होता है और पुलिया पार करने के बाद में पश्चिम सिंहभूम जिला पड़ता है। दोस्तों, अभी हम लोग चलेंगे इस तरफ में। मैं अभी खूंटी जिला में खड़ा हूं और बताना चाहूंगा कि ये लोहाजीनी गांव है तोरपा प्रखंड का, झारखंड का खूंटी जिला का तोरपा प्रखंड का ये गांव है। और ये खूंटी जिला होता है और वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रहा है वहां पे अभी हम लोग चलेंगे। और वहां पे एक ब्रिटिश काल का एक पुलिया बना हुआ है, तो उस तरफ जाने से झारखंड का पश्चिम जिला सिंहभूम पड़ता है और इस तरफ पुलिया का इस तरफ में खूंटी जिला पड़ता है। तो हम जंगल के रास्ते जाएंगे और बताना चाहूँगा कि इस तरफ अगर हम जाते हैं तो पंडापिडिंग वाटरफॉल है और इसका वीडियो मैं पहले भी 2 या 3 डाल चुका हूँ। तो इसी का पंडापिडिंग वाटरफॉल का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है और वहाँ भी लोग पिकनिक मनाने आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, बहुत दूर से नहीं आते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वीडियो का आनंद लें और वहाँ तक हम चलते हैं और क्या क्या है वहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम जो पीच रोड, मेन रोड कहेंगे उसको, उसके रास्ते इस जंगल को 1 या 1.5 किलोमीटर पार कर चुके हैं और यहाँ छोटा सा मैदान सा है। और बाइक को हम अपने यहीं पे रखेंगे और वो जो ब्रिटिश काल का अंग्रेज गवर्नमेंट जो था उस वक्त में यहाँ पुलिया का निर्माण करवाया गया था और उसको हम उसको देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि अब आपको इस तरह का पुलिया देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत मशक्क़त के बाद जंगल के रास्ते हम ये जो ब्रिटिश काल का ये जो पुल है, पुलिया कहेंगे इसको, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल घनघोर जंगल के अंदर है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो जंगल और पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है आपको, वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये घनघोर जंगल है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पुलिया बनाने का क्या मतलब रहा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो लोहाजीमी गांव है, झारखंड के खूंटी जिला का तोरपा प्रखंड में ये लोहाजीमी गांव है। तो लोहाजीमी गांव इस तरफ जो देख रहे हैं पुलिया का इस तरफ, पुलिया का इस तरफ ये खूंटी जिला होता है और पुलिया का अंतिम छोर उस तरफ है वो झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला होता है। तो हो सकता है एक समय में यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी रहा होगा या फिर लोग इधर आना ना करते होंगे, तो इसीलिए इस पुलिया का निर्माण किया गया होगा। नहीं तो आम तौर पर इस जंगल के बीच में और इस तरह का जो मतलब ये दिखाई दे सकता है कि यहाँ कोई आने जाने का किस प्रकार कोई सुविधा नहीं होता है, यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसा जगह में ऐसा पुलिया का निर्माण करवाना मतलब सोचने वाली बात है कि ज़रूर इधर से आवागमन रहा होगा या फिर लोग अभी भी आते जाते होंगे। हालाँकि सड़क तो बहुत जर्जर है और अभी आप देख सकते हैं ये जो दोनों ओर पहाड़ी है, ये पहाड़ को काट के यहाँ पे रास्ता निकाला गया है, देख सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है और इधर कोई रास्ता भी नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए उस छोर चलते हैं, वहाँ पर उस छोर में, और वहाँ से और कुछ नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें भी छोटा मोटा वाटरफॉल बहुत सारा है, लेकिन लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आते हैं। बहुत सारा वाटरफॉल है वो सामने, देखिए मैं पुलिया के ऊपर चल रहा हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे
दिखाई दे रहा होगा आपको। और सामने देखिए घना जंगल है, और जंगल के दूसरे साइड में झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला है। इधर से अगर सीधा चला जाए तो बंदगांव, गांव का नाम है बंदगांव, वहां तक आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ता दुर्गम है। तो मैं एक बार इस पुलिया के पास जंगल के रास्ते हम दोस्त लोग से साइकिल में हम लोग यहाँ पर आए थे, यही कोई 20 या 22-25 साल पहले की बात है। उस वक्त घूमने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, और उस वक्त मैं ये पुलिया आया था, और आज एक बार फिर 20-25 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वहाँ पे कुछ ग्रामीण महिलाएं और वो लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, बने रहें हमारे वीडियो में। दोस्तों ये जो ब्रिटिश काल का पुलिया है, और ये बताना चाहूँगा पंडा पिडिंग वाटरफॉल का ये ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ भी कई छोटे बड़े वाटरफॉल हैं यहाँ पे। तो केरवा घाट का पानी एक नदी से नहीं मिलकर गिरता है, कई नदी है, इसलिए हमेशा वहाँ पे पानी रहता है और केरवा घाट वाटरफॉल में। तो केरवा घाट का ऊपरी छोर पंडा पिडिंग हुआ, और पंडा पिडिंग का ऊपरी छोर ये नदी हुआ, और इस नदी से और भी आगे बहुत सारा नदी वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो केरवा घाट में पानी इसमें भी जाता है, उस तरफ से भी आता है, उधर भी दो नदी जुड़ी हुई है, फिर इस तरफ में 3 नदी जुड़ी हुई है, फिर इस नदी का पानी और इस नदी से ऊपर का छोर का पानी, मतलब इतना ज़्यादा पानी है, सारा जो पानी है वो केरवा घाट वाटरफॉल में जाकर गिरता है। फ्रेंड्स अभी हम पश्चिम सिंहभूम जिला के तरफ पहुँच गए हैं, जैसा बताया था कि उस पुलिया के उस छोर में खूंटी जिला होता है, और पुलिया पार करने के बाद में पश्चिम सिंहभूम जिला पड़ता है। तो हमारे साथ एक ग्रामीण है, और जो है कि वो हिंदी सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, तो मैं झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है जिसे सादरी कहा जाता है या फिर नागपुरी कहा जाता है, तो उसी में इनसे बात करूंगा, और फिर बाद में मैं आपको वो हिंदी में आपको मैं समझाऊंगा। तो रउ तो पहले ट्रेवल मस्ती हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है नहीं, प्रणाम। और रउ नाम का है कि ये मौके बताओ। हिंदी में बोलूँ कि सदरी से, तो मोर नाम है के सनिका चीक बड़ाई, मैं लोहाजिमी गांव का रहने वाला है को। अच्छा, सनिका चीक बड़ाई। तो दोस्तों इनका नाम सनिका चीक बड़ाई है, इन्होंने अपना नाम बताया, और लोहाजिमी गांव के ये निवासी हैं। तो रौरे मुके ये बताओ कि हमें जखन खड़ा है इथिन, तो ये कौन जिला में आवेला झारखंड? एखन झारखंड कर खूंटी जिला में आवेला, वो वाला आवेला नहीं खूंटी जिला वाला, तो एखन हमें लास्ट बॉर्डर में है। हाँ, तो ये पश्चिम सिंहभूम जिला पड़ेगा। हाँ, इन्हें पश्चिम सिंहभूम जिला। अच्छा, मतलब पुल जो है तो पुल कर बटे खूंटी जिला। हाँ, खूंटी जिला पुल कर हिने जो है वो पश्चिम सिंहभूम जिला। हाँ, अच्छा, और हिने से अगर सीधा सीधा अगर हमें हिने चल जाए फल तो हमारे बंदगांव बटे निकल जाए सिंहभूम। हाँ, भेटा जाए हिने से। अच्छा, आदमी मन आना जाना करे ना? हाँ, आना जाना करें, पर गाड़ी नहीं जाएगा, मतलब अच्छा, पैदल रास्ता। अच्छा, पैदल रास्ता है चाहे मोटरसाइकिल रास्ता है नहीं? हाँ, तो पहले गाड़ी चलत रहे का, बस मन चलत रहे? नहीं 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 चलत। अच्छा, तो एखनो आदमी मन ही ने शॉर्टकट अगर पश्चिम से मुंह से पार हुए के खोजबा खूंटी जिला तोरपा बटे हल चल सके ना? हाँ, चल सके। अच्छा, चलू तब बड़ाई साहब, रौरे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अभी ये नागपुरी या सादरी बोल रहे थे, तो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। इनका कहना है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वो झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला पड़ता है, और पुलिया के उस साइड में झारखंड का खूंटी जिला पड़ता है, और इस तरफ में बस वगैरह शायद नहीं चलती हो क्योंकि रास्ता नहीं है, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। तो बाइक वाले या फिर पैदल या फिर साइकिल जो है साइकिल का उपयोग करके इस पश्चिम सिंहभूम जिला को क्रॉस करके खूंटी जिला तोरपा प्रखंड या फिर उधर सिमडेगा वगैरह यहाँ पर कुछ लोग आते जाते हैं, इनका वो कहना था। तो फ्रेंड्स हम लोगों को एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ता है, और जो है मेहनत के अलावे हमें ट्रेवल भी करना पड़ता है, और हमारे साथ कभी कभी अनहोनी भी हो जाती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने बाइक से गिर गया था, चोट लग गई थी, बस अभी थोड़ा सा आराम हुआ है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल ट्रेवल मस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रेवल मस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ तो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और एक लाइक आप ज़रूर कर देना दोस्तों,
क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, और अगर अच्छा है तो अपने दोस्त या घर परिवार को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।